ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनरल सिंह भिंडरावाले की शिक्षा जो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष की सीख दी थी, ये उसकी जीत हुई है। मौका था संगरूर उपचुनाव में जीत के जश्न का, मगर इस मौके पर सिमरनजीत सिंह मान इस जीत का श्रेय एक ऐसे शख्स को दे गए जिसकी पंजाब के अंदर सिख समुदाय में और पंजाब के बाहर के लोगों के बीच अलग अलग तरह की छवि है। वो शख्स जिसे स्वर्ण मंदिर से जिंदा या मुर्दा बाहर निकालने के लिए सेना को करीब एक हफ्ते तक ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ा। वो शख्स जिसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश खुद उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देना पड़ा था और आगे चलकर वही आदेश इंदिरा की हत्या का कारण बना। वो शख्स जिसे इतिहास के पन्नों में जनरल सिंह भिंडरावाले के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात खालिस्तान की मांग के जनक जनरल सिंह भिंडरावाले की। जब चौंक गई सेना। तारीख 1 जून 1984, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को घेरने के बाद भारतीय सेना के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ कमांडोज ने रात के अंधेरे में दबे पांव स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। ये वो कमांडो फोर्स थी जिसे घात लगाकर दुश्मन के इलाके में हमला करने के लिए माहिर माना जाता है, मगर स्वर्ण मंदिर परिसर में ये कमांडो फोर्स ही निशाने पर आ गई। एक के बाद एक कमांडोज के पैरों में गोलियां चलती रहीं और वो घायल होते रहे। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि गोली कहां से आ रही है। ये भिंडरावाले की व्यूह रचना थी जो उस वक्त सेना पर भारी पड़ रही थी। भारत के सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह ने अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में लिखा है कि मेजर जनरल शाबेक सिंह की देखरेख में स्वर्ण मंदिर की रक्षा योजना तैयार की गई। सभी हथियारों को जमीन से कुछ ही इंच की ऊंचाई पर रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि न सिर्फ आक्रमक बलों के पैर उखड़ गए बल्कि उन्हें रेंग कर आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि अगर वह ऐसा करते तो गोली उनके सिर में लगती। भिंडरावाले का उदय। बात 70 के दशक की है। उस वक्त पंजाब में खालिस्तान समर्थक और अलगाववाद चरम पर था। देश विरोधी ताकतें पंजाब को भारत से अलग कर नया मुल्क खालिस्तान बनाने के लिए सिख संप्रदाय के लोगों को भड़काने में लगी थी। हिंसा, लूट, हत्या आम हो चुकी थी। उसी वक्त 7 बरस का एक लड़का जो अमृतसर के चौक मेहता इलाके में रहता था, वो टकसाल पहुंचकर सिख धर्म का इल्म लेने जाता है। उस बच्चे में तेज था और वो पढ़ने में बहुत अच्छा और बुद्धिमान था। उसके गुरु उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह जाते हैं। सिख धर्म का ज्ञान लेने के दौरान उसके दिल में अपने धर्म को लेकर बड़ी आस्था जागृत हो चुकी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बुद्धिमान बच्चा कट्टरपंथी बन गया। उस बच्चे का नाम जनरल सिंह भिंडरावाले था, लेकिन टकसाल के गुरु प्रमुख जनरल सिंह भिंडरावाले से इतने प्रभावित थे कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने संगत प्रमुख के बेटे की जगह जनरल सिंह भिंडरावाले को टकसाल का उत्तराधिकारी बना दिया। जनरल सिंह भिंडरावाले काफी समय तक दमदमी टकसाल का प्रमुख था। आतंक और अंत। भिंडरावाले की पहचान तब और बढ़ी जब निरंकारी संप्रदाय के अध्यक्ष गुरुबचन सिंह और फिर बाद में हिंद समाचार पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हुई। लाला जगत नारायण निरंकारी संत का समर्थन करते थे। इस घटना के बाद भिंडरावाले ने अपना ठिकाना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बना लिया था। वो वहां से कभी बाहर निकलता ही नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि सरकार और सेना कभी स्वर्ण मंदिर के अंदर नहीं घुसेगी। वह तब तक स्वर्ण मंदिर से नहीं निकला जब तक उसका अंत नहीं हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने आप में एक अलग कहानी है जिस पर चर्चा सियासी किस्से की एक और कड़ी में की जा चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। भिंडरावाले की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।